शांति, ओम शांति। मीठे बहन भाई आगे पीछे वाले मिलकर के बोलो ओम शांति। कौन है मेरा बाबा? ये थोड़ा अब भी सोच लो, कौन है मेरा बाबा? आज की मूल्य भी सुनेंगे तो पता चलेगा कौन है मेरा बाबा। बाप शिक्षक सतगुरु है, ये सब जानते हैं, हर बी के जानता है, ब्रह्मा कुमार कुमारी जानता है। तो मेरा बाप शिक्षक सतगुरु है। आप लोग पता हो हम ब्रह्मा कुमारी नाम अमर पर पीछे पड़ा, पहले हम कहे गोप गोपियां है, गोपियां गोप नहीं बोलेंगे, गोप गोपियां है। मूली के पीछे मस्ताने, अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले, अतीन्द्रिय सुख में रहना। मैं तो समझती हूँ और पुरुषार्थ नहीं करते थे अतीन्द्रिय सुख में रहने का। ये गीत पीछे बना है, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है, परंतु पहले अतीन्द्रिय सुख शुरू होता है, माना कर्म इंद्रियों पर जीत, उसका जो सुख है गोप गोपी बने का, उनका आपस में प्यार बहुत गोप गोपियों का। शुरू शुरू का हमारा गोप गोपियों का प्यार, बिजमन भाई अनुभव है गोप गोपी का प्यार, क्या समझा है? मेरा बड़ा भाई है बहन, ना ना वो तो थोड़ा रूखा है, थोड़ा रूखा है, गोप गोपी है। मूली सुनते ही आपस में रास करने लग पड़ते हैं, इतना खुशी, इतनी अंदर में तीन दिन सुख, आपस में खुशी बहुत। तो आज बाबा ने कहा है उसमें मुझे ये आज की बात तो जरूर सुनाएंगी, बाबा मुरली में भी सुनाएगा। कल परसों से अंदर में ये चित्त बिना, चिंता नहीं है चित्त बिना, एक है चिंतन, दूसरी है चिंता। चिंता शांति, ओम शांति। मीठे बहन भाई आगे पीछे वाले मिलकर के बोलो ओम शांति। कौन है मेरा बाबा? ये थोड़ा अब भी सोच लो, कौन है मेरा बाबा? पर बाबा जो समझाता है ना उससे देखेंगे ना पता चलेगा
तो बाबा ने तो मुझे थोड़ा बाबा बार बार ध्यान संस्कारों पर खिंचवा रहा है. अभी लेटेस्ट कोई भी हम संस्कार के अपने अधीन न रहें या और किसके संस्कार के प्रभाव दबाव में ना आ जाए, बड़ा कर्मों की गुह्य गति का कंडीशन है. मैंने आपको बताया है भले कितने भी शास्त्र पढ़े, कितने भी महात्माओं के भाषण सुने, पंत बाबा की दो बातें, एक 84 लाख जूनिया नहीं है. मुझे बड़ा डर लगता था, बड़ा डर लगता था भगवान ऐसा कोई काम न करूं जो कुक सुअर का जन्म ले या कुकर का तलारे का. ये इसलिए घर पूरा सुनती नहीं थी, मुझे नहीं सुनने का है. बाबा ने जो कहा ना 84 लाख जूनिया नहीं है, बड़ा बाबा अच्छा लगा. ये अंतिम जन्म है, हम देवता धर्म के थे, अच्छी लगी. दूसरी, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है. भले मैं आत्मा निर्लेपी नहीं मानती थी, जो समझती थी जो करता है वो भोगता है, आंखों से देख रहे हैं सुख दुख अभी अभी देखते हैं, करता भोगता करता भोगता. एक बाप के 4 बच्चे होंगे तो 4 में से कोई कैसा अपने कर्म. कोई बच्चा प्रैक्टिकल लंदन में भी देखा, 3 बच्चे अभी तो कोई ने शरीर भी छोड़ा, जन्म से ही डिसेबल थे. माँ बाप को सारी उम्र संभालना पड़ा है. क्या है ये तो प्रैक्टिकली अंधे अंधे अभी समझ सकता है ये कर्म भोग है. तो ये इतनी बाबा अच्छी समझाता है बातें, और कर्म फिर संस्कार अनुसार है. आत्मा लेके आती है, लेके जाएंगी. तो चित्त में ना इस बात की लगी पड़ी है, अभी जो हम संस्कार बना रहे हैं ना, सारे कल्प का क्वेश्चन है. अभी बना रहे हैं, ऐसे नहीं बनाए कल्प पहले बनाए थे उसी अनुसार बन जाएंगे, आप ही नहीं बनेंगे. इसमें भी बाबा ने हम लोगों को इतना वारी, मैं सब 6 महीना खंड बताया होगा, कंटिन्यू बनना बनाया ड्रामा है, अनादि है, बनना है बनाया हुआ है, बना हुआ है पर बनाना है. अरे बाबा अनादि है पर बनना हुआ है पर बनाना है. अरे बाबा क्या दिमाग में डाला अच्छी तरह से. तो आज बाबा ने कोई कोई बात का अच्छा जवाब दे दिया. भक्ति मार्ग की बातें बाबा रोज समझाता है. एक भक्ति है नवदा भक्ति का, दर्शन मिला बस, विष्णु का ध्यान किया बस, कृष्ण का साक्षात्कार किया बस. पर नहीं, हमारी भक्ति कौन सी थी? आप 84 हमारी भक्ति कौन सी थी? मैं देखती हूँ बाबा की भक्ति, हमारी भक्ति, हमारे लोग के काका की भक्ति, बाप की भक्ति, पर उस भक्ति में खुश, थोड़े में खुश, दान पुण्य किया खुश, यात्रा की खुश, पर नहीं. भक्ति का फल भगवान मिले, भगवान का बच्चा बन जाऊं, वंडर है. जो साक्षात्कार में इतने में खुश हो जाते थे, गुरुद्वारे में बैठे मंदिर ग्रंथ साहब पढ़ा खुश, मेरे जैसा कोई नहीं, पाठ किया खुश,
परंतु नहीं है हमारी हम कहेंगे बाबा को भी देखा था न भक्ति करता हुआ ऐसे तो ऋषि बाबा ब्रह्मा बाबा में आया समझ के आया विश्व बाबा भी समझ के आया इसमें इसको देखा क्या बाबा के धुन लगी हुई थी उसमें ध्यान लगे वो कौन कैसा है तो आज बाबा ने गीता की महिमा की है बहुत सर्वशास्त्रों में कि माँ बाप है गीता भगवत गीता परंतु वो गीता पढ़ते भी समझ में नहीं आता था ना पर बाबा ने फिर भक्ति में ये शब्द भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना मुझे और कुछ नहीं चाहिए बुद्धि अच्छी हो सालिम हो अभी तक भी भगवान ने ये बात सुन ली बुद्धि सालिम हो कईयों को बुद्धि का परवाह ही नहीं है बुद्धि कहाँ भटके कहाँ लटके कहाँ चटके कहाँ अटके कहाँ भटके कहाँ चटके कहाँ लटके कहाँ अटके उस बुद्धियों का क्या हाल होगा बाबा आ रहा है समझो बाबा जा रहा है बाबा बहुत बाबा ने अम्मा को अच्छी पालना दी है अच्छा कान पकड़ के समझाया है अभी तक भी कहा बुद्धि चटकी लटकी हुई होंगी तो बुद्धियों का क्या हाल बाबा क्या करेगा तो आज बाबा ने कहा है इसके साथ धर्मराज भी है समझ जाओ ये हम बाबा को शुरू से देखा बाप है परंतु कम नहीं है बाबा अभी अंदाजा लगा के देखो बाबा को बाबा है शिक्षक है अच्छा बहुत प्यार से समझाता है बच्चे बच्चे के समझाता है पर अंदर सतगुरु है श्रीमत ये है कोई ऐसे कर्म नहीं करना आज बाबा ने बोला है पहले जो कर्म करते थे उसकी सजाएं अलग थी वो तो याद से विक्रम नाश हो जाएंगे ठीक है अब भी कोई विक्रम छोटा सा भी करेंगे 100 गुना दंड मिलेगा आज खबरदार किया है 100 गुना दंड छोटे बूट का भी माफ नहीं करेगा कोई कहेंगे बाबा जो जानता है ना बाबा को क्या बताओ जानता है ना तो माफ नहीं करूंगा सामने आकर के सुनाएगा बाबा मेरे से ये भूल हुई है फिर नहीं करूंगा बाबा तो कईयों को देह अभिमान बहुत है बाबा को सुनाने में तो देह अभिमान के कारण एक तो भूले करते हैं फिर छिपाते हैं बाबा क्या कहेगा बाबा क्या कहेगा तो मेरे को पहले से भी मैंने बताया 6 महीना मैं शिवा पर नहीं गई मधुबन बैठ गई पांडव भवन में एक कोने में कमरे में बैठ गई बाबा कहे बच्ची जाओ मैं बाबा नहीं मुझे धर्मराज की आंख नहीं दिखाना बच्ची नहीं दिखाऊंगा मैंने कहा नहीं अभी कहते हो मुझे धर्मराज की आंख मुझे मधुबन बैठ के तपस्या करनी है इतनी बाबा की दृष्टि तो महासुखकारी है शिक्षक की दृष्टि ऐसे पढ़ाता है समझाता है फिर बताता है सब कुछ उलहना नहीं देना मुझे नहीं बताया था सब कुछ बताता हूँ सतगुरु के रूप में सीधी श्रीमत है मर्यादा के विरुद्ध जरा भी करते हैं ना इतना थोड़ा करते हैं ना तो चेहरा पीला हो जाता है थोड़ा
चमक नहीं सकता। छोटी सी भूल भी तो समय अनुसार हमको अव्यक्त पालना इतनी मिली है, कितनी पालना मिली, साकार मिली, पर साकार में जो हमको पालना दी उनसे और ज्यादा आज की रचना को बाबा ने कितनी पालना दी है ये नहीं पता था। साका मूल्या रिवाइज कोर्स होगा, अव्यक्त भी रिवाइज हो रहा है, 72 की और 95 की, 72 की और 95 की मूल्या चल रही है। आज कितना हुआ है देखे मुरली पढ़ते तो। मैं तो मुरली पढ़ते या सारे दिन क्या करने का है, मुझे सेवा दायित्व अति नहीं करना, सेवा में इतने बिजी है, इतने बिजी है अपने प्लान में, प्रोग्राम में, किसके भाव में, किसके स्वभाव में, किस पर मुरली बाबा ने क्या सुनाया अपन को फ्री करे, यही चित्त में ना हो, जो दिल में मन में वह दिल में फिर मन में फिर बुद्धि में, बुद्धि सालिम हो, बुद्धि को सालिम कहेंगे, दिल को साफ करना। मैं इतने बड़े क्लास में सुना, कोई आत्मा ने मुझे लिखा पत्र में, अभी मैंने समझाया मुझे दिल को साफ करना है, पर दिल को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए बड़ा हार्ड वर्क हो गया है, मुझे मदद करो। मैंने कहा साइंस ने भी क्लीनिंग के काम में पहले पहले हार्ड वर्क, अभी ऐसे है बड़े सहज सफाई हो जाती है, तो साइलेंस में जा, अच्छी तरह से जा, बाबा अंदर ही अंदर सफा कर देगा हमको। पर मुझे साफ दिल बनना है, इसको किसको चिंता ही नहीं है, इसकी तो चिंता लग रही चाहिए। जब तक मेरे दिल साफ नहीं है, कोई ना कोई कारण से और ही मैली बनती जाती है। भक्ति में भी गीत है, मुझे वो अभी आता नहीं है, याद नहीं आता, रो करके बोलते थे मेरी चादर मैली हो गई है, हे भगवान मेरी चादर मैली है, साफ करो मेरी, साफ करो। तो किसी को भी सेवा का चिंतन बहुत, सेवा तो कराई बाबा ने करा रहा है, ये सब शांतिवन किसने बनाया, ये सब बाबा के बच्चों को किसने खींचा, बाबा खींच करके बुला रहा है। पर बाबा कहता है अपन को पूछ मैं क्या करता हूं, क्योंकि अभी का जो एक एक मिनट में जो पुरुषार्थ है, सेकंड में पुरुषार्थ है, एक संकल्प से जो पुरुषार्थ है, उसमें जो सफलता है उसका फायदा लो। कुछ भी है सेवा है, निमित्त बनाया है बाबा ने सेवा के लिए, हर बच्चे को निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनने से सेवाएं हुई है, हो रही है, होती रहेंगी, सिर्फ निमित्त बनने से, हाँ जी कहने से। बाबा जो इशारा करे बच्चे जी बाबा बस ठीक है। कभी हमारा अपना संकल्प ना ना ये मेरे नहीं, फेल। बाबा ने कहा है ऐसे नहीं समझो, मैं शिव बाबा के दिल पर चढ़ जाएगी, ब्रह्मा बाबा की क्या बात समझा, अरे ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ेंगे तो शिव बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, डाडे के बगैर बाप का वर्षा नहीं मिलता है।
बाप के बगैर दादी का वर्षा नहीं मिलता है। अपने आप को खुश करने के लिए काम चलाओ पुरुषार्थ है, भगवान के घर काम चलाओ नहीं चलेगा। कर्मातीत बनना है ना, कर्मातीत बनना है ना, कर्म ऐसे एक तो अपन को फौरन उसकी खुशी पता चलता है, नहीं है तो समथिंग मिसिंग है, समथिंग मिसिंग है तो अपना कान पकड़ना पड़ेगा। अब बाबा के सामने रख करके तो मैंने कहा बाबा को, बाबा के सिर्फ बाबा बाबा नहीं, मेरा बाबा मेरा बाबा नहीं। तो कल मैंने मीडिया वालों का मेरा बाबा कहने से कोई लोग नहीं सुनेंगे। बाबा कैसा है, हमारे कर्म से, चेहरे से, चलन से अनेक आत्माओं को कि आंखें खुली है खुलेंगी, इनको ऐसा बनाने वाला कौन है। सत्य धर्म सत्य राज, राज्य में भी सत्यता, धर्म में भी सत्यता। वो सच्चाई सत्य परमात्मा बाप हमको सच्चा बना करके सच खंड स्थापन कराने के लिए शिवाधारी बनाया है। इसलिए खबरदार उशार होने की बात है, अभी तो काम चलाओ नहीं चलेगा। तो एक अपने कर्म फौरन अच्छे कर्म से, जैसे बाबा करा रहा है अब यही करना है बस। और योग ऐसा जो पुराना कोई संस्कार मन बुद्धि द्वारा टच न करे मेरे को, पुराना टच भी न करे, छुए भी नहीं, डोंट टच मी, ऐसे संस्कार को पुराने को। नहीं तो वो पुराना संस्कार टच तो क्या करता है, अछूत बना देता है एकदम, वो ब्राह्मण पने का खश्म है। ब्राह्मण में सेवाधारी है ना, बाप को फॉलो करने बाबा के मुख वंशा वाली है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा का मुख है, बच्चे का ऐसा मुख है ना, संस्कार से पता चलता है ना, ये बाप का बच्चा है फलाने का बच्चा है। और बाबा ने कहा है बाप और वर्षे को याद करो, तो वर्षा क्या है फिर विचार करो, तुरंत वर्षा मिलता है कौन सा, याद क्या करें, मुक्ति जीवन मुक्ति, पुरानी बातों से मुक्ति, देह के सब संबंध से मुक्ति, पर जीवन में ब्राह्मण लाइफ में जीवन मुक्ति। बाबा का बच्चा हूं तो ऐसा वर्षा है मेरे पास, मिलेंगी नहीं, मिली है वर्षा, जन्मते वर्ष पर अधिकार है। तो वहां तो बच्चा कहेगा भले लायक नहीं हुआ, कहेंगे मुझे वर्षा दो, बाबा नहीं कहेगा लायक को वर्षा, जन्मते ही मिल जाता है। भाई कैसे मुक्त हुए, इतने करे कर्मंदन, बाबा का बने से फिर क्या कर, मुक्त को मुक्ति होकर क्या करें, जीवन मुक्त। सत्युग में ऐसे तो ही प्रालबुद्ध ऐसे मिलेंगे, यहाँ की पुरुषार्थ का कुछ मेरा नहीं।